अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लास्ट सेशन में बेसिक प्रिलिमिनरीज जो हैं वो डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और उसके अंदर हमने जो है वो फ्रैंकल बर्टनिक की जो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, जो अपेंडिक्स एक्सरसाइजेस हैं, उसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करे थे। और उसके बाद जो है अब हमने फर्दर अपने सेशन को जो है आगे लेके जाना है। और इस सेशन के अंदर हम जो है वो फ्रैंक एस बर्टनिक का चैप्टर 1 रिव्यू करेंगे, जो कि आप फोर लॉ ऑफ कॉन्सेप्शन जो है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम जो है वो चैप्टर 1 की कुछ एक्सरसाइजेस का आज जो है वो रिव्यू करेंगे। देन फिर आप जो है, क्योंकि इसमें गैप आ गया है, तो आप इन वीडियोस को देखकर अपना चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस का जो है वो काम, आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 बेसिकली जो है वो किसका है? चैप्टर 1 बेसिकली जो है वो फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री इक्वेशंस से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो बेसिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो है वो हमने यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब सिलसिला कुछ इस तरीके से होगा कि हम एक्सरसाइज जो है उसके अंदर से कुछ सवाल सिलेक्ट करके जो है वो सवाल हम यहाँ पर करेंगे, ताकि उसके अंदर वो जो तमाम एक्सरसाइज हम यहाँ पे इस सेशन में कर सकें, तो उस सेशन के अंदर जो है वो तमाम एक्सरसाइजेस को चाहेंगे कि हम आपका जो है वो रिव्यू कर लें। तो स्टार्टिंग जो है वो हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज से कर रहे हैं, और वो एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी आपके पास, दैट इज सेक्शन 1.1। सेक्शन 1.1 जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग में है, ठीक है जी। चैप्टर 1 का सेक्शन 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन हमने जो है लास्ट सेशन हमारा जो था, जो बेसिक प्रिलिमिनरीज का था, उसके अंदर हमने जो है आपको बताया था कि फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री इक्वेशंस जो है वो क्या होती हैं। किसी भी इक्वेशन के अंदर जो जितनी भी आपके पास टर्म्स अवेलेबल होती हैं, उसके अंदर आपके पास जिस टर्म की हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम कहते हैं दैट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का मतलब ही क्या है? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का मतलब ये होता है आपके पास के आपके पास इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल होगा, ठीक है। अच्छा, एक वेरिएबल के साथ साथ आपके पास यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स की तादाद भी होती है। किसी इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल होता है, किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, किसी इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। मगर ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम सेक्शन 1.1 को रिव्यू कर रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन यानी जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर मैक्सिमम 1 होगी, और वो भी एक वेरिएबल के अंदर ही हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है जी। यानी वी आर सॉल्विंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1.1। सेक्शन 1.1 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, तो टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, जिसको हम क्लास में रिव्यू कर चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं। और आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने जो है वो ये क्वेश्चंस करे हुए भी हों, बट क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुजर गया है और आपकी जो है वो प्रैक्टिस शायद जो है उसकी ना रही हो, इसलिए हम इसको जो है वो इसका रिव्यू जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम सेक्शन 1.1 के अंदर जो है वो क्वेश्चंस ले रहे हैं, और सेक्शन 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें डिफरेंट 24 तक क्वेश्चंस हैं, तो हम उसमें से जो है वो सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। दैट विल बी फॉर अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस, ताकि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के सिनेरियोस जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाए, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है, हम यहाँ पे जो है सेक्शन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपके पास, दैट इज 2x+4 = 16 - x, ठीक है। 2x+4 = 16 - x, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, और ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो है वो विद 1 वेरिएबल है। अब आप देखें इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल आपको x नजर आ रहा है। देन स्टार्टिंग द सॉल्यूशन, तो फर्स्ट डिग्री का सॉल्यूशन हमारे पास कैसे होता है? फर्स्ट डिग्री का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा कि एक्स के वेरिएबल्स जो है हमारे पास नजर आ रहे हैं, उनको हम वन साइड पे कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2x था, ये -x इधर आके जो है वो हो जाएगा +x। देन इधर राइट हैंड साइड पे पहले से 16 मौजूद था, +4 इधर आके जो है वो हो जाएगा -4। तो ये बन जाएगा आपके पास
2x plus x will become that is 3x, और यहाँ आपके पास 16 minus 4 जो है वो हो जाएगा आपके पास 12, और 3 और x आपस में जो है वो यहाँ पे multiply हो रहे हैं, तो it means के यहाँ आके 3 जो है वो 12 से divide हो जाएगा. जब ये 3 12 से divide होगा it will become, यानी ये आपके पास cancel out हो जाएगा, 3 1 3 4 12. तो हमारे पास जो solution set आ जाएगा इसका, solution set क्या आ जाएगा हमारे पास, solution set will become that is 4. ठीक है जी, this is called, this is a simple solution for first degree आपके पास equation का, जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, one variable जो है वो involve हो रहा है. ठीक है, ये बिल्कुल basic सा solution था, इसमें variables को एक तरफ किया और आपने जो है वो numbers को एक तरफ किया और इनको then simplify करके solve कर दिया. ठीक है जी, then moving towards a difficult question. ठीक है जी, तो normally classes के अंदर क्या होता है, teachers को कहा जाता है कि teachers जो हैं वो आपका आसान question करवा देते हैं और मुश्किल questions जो हैं वो students को दे देते हैं. तो ऐसा नहीं है, तो हम जो है वो यहाँ पर एक मुश्किल question को भी जो है वो देख लेते हैं. Now moving towards question number that is question number 15. अब हम next question देख रहे हैं जो हमारा है question number 15. ठीक है जी, और question number 15 हमारे पास क्या है, that is t minus 3 divided by 2 और plus that is t plus 3 divided by 4 equals to 8 minus t divided by 3 और last में आ जाएगा आपके पास plus 2. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था वो था सिंपल क्वेश्चन. अब करना हमने फर्स्ट डिग्री को ही सॉल्व है और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में भी वन वेरिएबल को सॉल्व करना है. अब इस पूरी इक्वेशन में देखिए आपको t वेरिएबल के अलावा और कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा. ठीक है, इसमें जो एनहांसमेंट हो गई है, एनहांसमेंट क्या हो गई है कि इसमें अब आपको फ्रैक्शन शो हो रहा है. ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है वो एक फ्रैक्शन में आ गया है सवाल. अब फ्रैक्शन के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे भाई हम, अब हमने देखना है यहाँ पे क्या, जब हमारे पास कोई चीज फ्रैक्शन में आती है तो फ्रैक्शन के अंदर हमें क्या सॉल्व करना होता है, एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है. इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे दो फ्रैक्शन है और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास एक फ्रैक्शन है. तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस एक सिमिलर फ्रैक्शन को, एक सिंगल फ्रैक्शन हमारे पास राइट हैंड साइड पे है, इसको भी हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ताकि तमाम फ्रैक्शन हमारे क्या हो जाए, एक तरफ आ जाए. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखते हैं टी माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू प्लस टी प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फोर. और ये पूरा फ्रैक्शन 8 माइनस 3 टी अपॉन 3 ये पॉजिटिव है, इस फ्रैक्शन के बाहर कोई साइन नहीं है, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 8 माइनस टी अपॉन 3. अच्छा जी, इक्वल्स टू इट विल बिकम 2. अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि जब हम किसी फ्रैक्शन को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो फ्रैक्शन के अंदर जो साइन होती है, ठीक है जी, वो चेंज नहीं होती. इस फ्रैक्शन की ओवरऑल साइन जो थी वो पॉजिटिव थी, जब इसको हमने शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. ओके, अगर हम इंडिविजुअल किसी वैल्यू को शिफ्ट करते हैं तो फिर उसकी साइन चेंज हो जाती है, अगर प्लस में है तो वो माइनस हो जाती है और माइनस में होगी तो वो प्लस में हो जाएगी. ठीक है जी, अब यहाँ हमारे पास तीन जो है वो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है फ्रैक्शन की, 2, 4 एंड 3. तो 2, 4 और 3 आपके पास जब हम इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम से सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है. तो 2, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2, 4, 3 का एलसीएम जो है वो आ गया आपके पास दैट इज 12. ठीक, 12 कैसे आता है एलसीएम, लेट्स सी. यहाँ पे हम जो है वो डिफरेंट कलर से आपको एलसीएम शो कर देते हैं. 2, 4 और 3 का एलसीएम लेना है. ठीक है जी, 2, 4, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 और 3 तो डिविजिबल नहीं है, और फिर यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 1 2, 2 2 3. ठीक है जी, और फिर 3 से जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.
that is 2 to the 4, 4 into 3, that is 12. Clear? Got it? Ab 12 divided by 2, kitna hoga aapke paas? 12 divided by 2, hota hai 6. ठीक है जी, इस 6 को मल्टीप्लाई करना है टी माइनस 3 के साथ. ये बिल्कुल आपने जो है वो अपने चाइल्डहुड के अंदर जब भी आपने जो है वो फ्रैक्शंस को सॉल्व किया होगा और उसमें एलसीएम लिया होगा, तो उसमें टीचर्स आपको बताते हैं कि जो एलसीएम की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के टेबल में कहाँ लाई करती है, यानी 2 के टेबल में 12 कहाँ लाई करेगा. तो उसका सिंपल सवाल है कि जो एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर से आप करके डिवाइड कर दें. 12 डिवाइड बाई 2 इज 6, तो 12 डिवाइड बाई 2 6 का मतलब हो जाएगा अब इस 6 को मल्टीप्लाई करना है टी माइनस 3 के साथ. देन 12 डिवाइड बाई 4 जो होता है वो होता है 3. इस 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे आप टी प्लस 3 के साथ. माइनस देन 12 डिवाइड बाई 3 ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4. इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस टी के साथ. इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास, 2. तो आप जब इस ब्रैकेट्स को ओपन करें, 6 मल्टीप्लाई बाई टी इट विल बिकम 60 प्लस माइनस माइनस 6 3 इज 18. ठीक है, प्लस 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 3 इंटू टी 3t. ठीक है जी, प्लस 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 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9. माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 8 दैट विल बिकम 32. और माइनस माइनस विल बिकम प्लस और टी इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 4t. ये जो 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ एलसीएम, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, ये डिवाइड हो रहा था, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या होगा, 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है जी, तो अब फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तमाम टी की वैल्यूज एक साथ लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा 6t प्लस 3t प्लस 4t. ठीक है, अच्छा, और ये हो जाएगा आपका पास माइनस 18 प्लस 9 और माइनस 32 equals to 24. इनको हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया है. तो 60 plus 3 90, 9 plus 4 that will become the 13t. okay, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 13t के बाद 18 minus 18 plus 9 minus 32. इसको सॉल्व करेंगे तो minus 18 plus 9 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, minus 9 और माइनस 9 माइनस 32 दैट विल बिकम माइनस 41 इक्वल्स टू 24. ठीक है जी, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, और माइनस 18 प्लस 9 और आपके पास माइनस 32, इन सब को जो है वो आप क्या करेंगे कैलकुलेटर में पुट करके वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 41 आ जाएगा. माइनस 41 राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो 13t इक्वल्स टू 24 प्लस 41. And 13t equals to 24 plus 41 will become 65. So, t ki value hamare paas kya aajayegi? T ki value will become 65 divided by, that is 13. Theek hai ji, 65 divided by 13. Or 65 divided by 13 hamare paas jo value hai, wo 13 ke table mein 65 bilkul aata hai. 13 5 is 65. तो टी की वैल्यू 5 आ गई, तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास 5 होगा. सेक्शन 1.1 के अंदर जो एक्सरसाइजेस हैं वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन विद वन वेरिएबल की एक्सरसाइज है, यानी तमाम सवालों के अंदर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे तमाम सवालों के अंदर आपके पास एक ही वेरिएबल की वैल्यू होगी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस माइनस इस तरह की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी. देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनको सॉल्व करने के बाद आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं. क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है कि आप जो भी आंसर्स निकालें, ठीक है जी, अपने जो भी आप सवालों की प्रैक्टिस करें, उनके आंसर्स निकालने के बाद आप एक दफा उनको अपने क्वेश्चन में पुट करें. अगर आप अपने आंसर को क्वेश्चन में पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, वो इक्वल आ जाएगी. और अगर आपने सॉल्यूशन में कहीं मिस्टेक करी है, कोई भी मिस्टेक करी जिससे आपका आंसर जो है वो गलत आ रहा होगा, तो वेरिफिकेशन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं आएंगे. ठीक है जी,
तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन विद वन वेरिएबल अगर आपके पास आता है कोई भी सवाल, तो उसको सवाल को चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप उसके आंसर को क्वेश्चन में पुट करके वेरीफाई कर दें। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपकी क्या होंगी, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपकी जो है वो सिमिलर हो जाएंगी, बराबर आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो ये हो गया आपका एक और सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व थे। अब एक सवाल हम ब्रैकेट ओपनिंग की तरफ से भी कर लेते हैं, ठीक है जी, ताकि आपका जो है वो कोई कंफ्यूजन इसमें आपको ना रहे। और ब्रैकेट ओपन करने का सवाल मींस यहाँ पे आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है जी, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट डिफरेंट तीन क्वेश्चंस निकाले, ताकि आपको तीनों पैटर्न में आपका जो भी सॉल्यूशन हो, जब भी आप प्रैक्टिस करने में बैठे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको देखने के बाद आप इसको जो है वो इजीली अपने प्रैक्टिस में जो है उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 आपका क्वेश्चन क्या है, 3 ब्रैकेट में आपके पास जो वैल्यू है वो है 12 - x, ठीक है, और इक्वल 12 - x - 16 = 2। जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर एक ब्रैकेट इन्वॉल्व है, ठीक है जी, और एक ब्रैकेट इन्वॉल्व होने के साथ साथ आगे एक और वैल्यू भी है। तो ब्रैकेट से बाहर जो टर्म है सिर्फ ब्रैकेट उसी से ओपन होगा। 3 × 12 विल बिकम 36, प्लस माइनस माइनस इट विल बिकम 3x, ठीक है, और ये जो -16 है वो ब्रैकेट से बाहर है। ठीक है, तो ब्रैकेट से बाहर होने का मतलब क्या है, ब्रैकेट से बाहर होने का मतलब ये है कि यहाँ आपके पास इसकी वैल्यू को 16 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद आपके पास जो है जो वैल्यू आएगी -16, और ये हो जाएगा आपका 2। अच्छा, अब टेन फर्दर को सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास दैट इज 36 -16 को एक तरफ कर दिया हमने, ये हो जाएगा -3x = 2। तो 13x - 16 ये हो जाएगा आपके पास 20 - 3x = 2, और ये +20 जो है उधर चला जाएगा, तो यहां बच जाएगा -3x, ये हो जाएगा 2 पहले से मौजूद था, 20 बाद में आ रहा है, +20 यहाँ आके -20 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, -3x = 2 - 20 विल बिकम -18। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, वो हो जाएगी दैट इज -18। ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3, 6 = 18, तो एक्स की वैल्यू आपके पास जो है वो क्या गई, 6। तो सॉल्यूशन सेट आपका जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट विल बिकम आपका 6। ठीक है जी। जब भी सिंगल वेरिएबल के अंदर आपके पास सवाल होता है, तो सिंगल वेरिएबल के सवाल के अंदर जब भी सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और उसके अंदर हम जो है वो स्मॉल ब्रैकेट को यूज नहीं करते। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं जो आंसर में आपके पास शो हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये था आपका सेक्शन 1.1 का रिव्यू, जिसके अंदर हमने सेलेक्टिव 3 क्वेश्चंस लिए, और 3 क्वेश्चंस लेने के बाद फिर हमने जो है वो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे हमने इसको सॉल्यूशन करके आपको शो कर दिया, यहाँ आपका जो है वो क्या क्या इसमें पॉसिबल जो है वो आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद हम आ जाते हैं अब सेक्शन 1.2 की तरफ। नाउ स्टार्टिंग 1.2, सेक्शन 1.2 आफ्टर 1.1 सेक्शन 1.2 जो है वो आपकी सेकंड डिग्री इक्वेशंस की एक्सरसाइज है, और सेकंड डिग्री इन इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, बहुत ही रिनोन टर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है जी। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो 1.2 के टू पार्ट्स हैं, एक के अंदर फैक्टराइजेशन है, ठीक है जी, और एक के अंदर जो है वो सॉल्व करना है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू। तो हम पहले जो है वो पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हमें जो है वो करनी है फैक्टरिंग। और फैक्टरिंग के अंदर हमने जो क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 2।
और क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास था दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू जीरो। अब बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो फौरन समझ गए होंगे कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना है। जब हम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हैं और हमने देखा कि दो टर्म्स आपको नजर आ रही है यहाँ पे और दोनों जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, दैट इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आपके पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसकी मदद से ये सवाल क्या बन जाएगा आपका, इसका आंसर की तरफ जब जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 एंड x माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अब x प्लस 5 का ब्रैकेट जो है वो भी जीरो के बराबर है, ठीक है जी, और x माइनस 5 का ब्रैकेट जो है वो भी जीरो के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो प्लस 5 इधर आकर माइनस 5 हो जाएगा, और ये माइनस 5 को सॉल्व करेंगे तो इधर आके प्लस 5। यानी यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन सेट की वैल्यू क्या होगी, आपके पास सॉल्यूशन सेट की वैल्यू का मतलब हो जाएगा दैट इज माइनस 5 एंड प्लस 5, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री है इसीलिए हमारे पास यहाँ पर कितने आंसर्स आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो आंसर्स जनरेट हो रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन थ्रू फॉर्मूला भी हो सकती है, और फैक्टराइजेशन का एक और तरीका है जिसे आप कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करना। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है जी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल्स टू जीरो। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमने तरीकेकार जो है वो पहले भी डिस्कस किया था, और फर्स्ट कोशेंट फर्स्ट वेरिएबल का कोफिशियंट और लास्ट कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 15 इनटू 1 क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 15। अब 15 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 15 के फैक्टर क्या होगा भाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 15 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 15 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इसी को जो है वो पलट कर लिखा जाता है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें और देखें कि वो किस किस टेबल में आते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू वैल्यू आनी चाहिए, ये सर्कल किया मैंने, और अगर हम इन दो नंबरों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो है वो क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है जी। तो जब हमने पहली वाली वैल्यू देखी तो 15 प्लस 1 16, 15 माइनस 1 14, इसका मतलब ये तो हम सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पे मिडिल टर्म के अंदर। दूसरी वैल्यू के अंदर देखा 5 माइनस 3 करते हैं तो मिडिल टर्म की वैल्यू बन जाती है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 माइनस 3 से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा माइनस अपनी जगह पे रहेगा, 2x मिडिल टर्म है, 2x को हमने ब्रेक कर दिया, तो 2x कैसे आएगा, 5x माइनस 3x, देखिए 5x माइनस 3x करेंगे तो दोबारा 2x आ जाएगा, और 2x की जगह मैंने ब्रैकेट लिखा है, बाकी तमाम चीजें ये प्लस 15 इक्वल टू जीरो ये अपनी जगह पे एज इट इज आ गए। अब इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू जीरो। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है वो दो दो करके यहाँ पे इसको दो दो करके कॉमन लेना होगा। दो दो करके कॉमन लेने का मतलब क्या है, एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन माइनस एक्स कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 5, जो साइन यहाँ पर आ रही है वो एज इट इज साइन नीचे आ जाएगी, 3x प्लस 15 में से क्योंकि x तो कॉमन नहीं हो सकता 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x, माइनस कॉमन लेने की वजह से आगे साइन माइनस का आ जाएगा, साइन चेंज हो जाता है माइनस कॉमन लेने से, और 15 में से जब 3 कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या 5, यानी 15 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो बचेगा क्या आपके पास 5। कॉमन लेने का मतलब है कि हम जिस वैल्यू को कॉमन लेते हैं उस वैल्यू को कॉमन वाली मतलब जो आपकी एक्चुअल टर्म है उसको कॉमन वाली टर्म से डिवाइड करके पास लेते हैं कि आपके पास क्या आंसर बीच में आएगा। तो 15 में से 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 5 इक्वल्स टू जीरो। अब ये जो दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं मिडिल टर्म, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये दो ब्रैकेट्स का सेम आना जरूरी है,
अगर ये सेम नहीं आ रहा इसका मतलब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। x माइनस फाइव, x माइनस फाइव, x माइनस फाइव कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से x माइनस फाइव कॉमन आया तो यहाँ बचेगा माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब x माइनस फाइव जीरो के बराबर है, ठीक है जी, x माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस फाइव जो है वो इधर आकर क्या होगा, प्लस फाइव हो जाएगा, और ये माइनस थ्री इधर आके जो है वो प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद अगर मैं अपना सॉल्यूशन सेट लिखूंगा तो सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा मेरा थ्री एंड फाइव, ऑर्डर में लिख दिया हमने यहाँ पे फाइव। आप कहीं ऐसा कंफ्यूजन ना करें आप कि हमने पहले आंसर में तो फाइव लिखा था और सॉल्यूशन सेट में थ्री लिख दिया है, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, हमने सिर्फ सीक्वेंस में लिख दिया इसको। सॉल्यूशन सेट के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको एज अ सीक्वेंस लिख लिया है, दैट इज थ्री एंड फाइव। एक फैक्टराइजेशन हो गई आपकी फॉर्मूले के थ्रू, एक फैक्टराइजेशन हो गई आपके पास यहाँ पर थ्रू मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टर्स। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीकेकार हर मिडिल टर्म के सवाल के लिए ऐसे ही होगा, ठीक है जी। बट आपको ख्याल क्या रखना है कि मिडिल टर्म के सवाल के अंदर अगर प्लेसमेंट चेंज है तो आपने पहले उसकी प्लेसमेंट को सही करना होगा। पहले स्क्वायर की टर्म आएगी, ठीक है जी, फिर 2x की टर्म आएगी यानी विदाउट स्क्वायर की टर्म आएगी वेरिएबल की, और फिर खाली नंबर की टर्म आएगी। अगर ये सीक्वेंस में सवाल नहीं है आपके पास पेपर में या आपके पास बुक के अंदर, तो आप क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन के अंदर इसको इस सीक्वेंस में लिखेंगे, देन उसके बाद फिर आप मिडिल टर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो क्वेश्चंस हैं आपके, क्या क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी आपके पास सवाल के अंदर जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक ना हो रही हो, सही है, मे बी पॉसिबल, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है या नहीं, अदरवाइज आपका फॉर्मूले की एप्लीकेशन और मिडिल टर्म की एप्लीकेशन यहाँ हमने दोनों एक्सप्लेन कर दी। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, अब हम जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ। अब जो हम सॉल्व करेंगे वो किसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं हम। जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सेक्शन 1.2 के क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक जाएगा। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं किसके दो सवाल, पहले एक सिंपल सवाल सा ले लेते हैं। सिंपल सवाल में क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल सवाल हम ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं जब हम, ठीक है जी। तो सॉल्व करने के लिए हम यहां पे ले लेते हैं क्या, बाय कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं आप, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की, और ये जो सवाल है इसको हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी याद रखें कि जब भी हम ऐसी कोई कंपैरिजन बनाते हैं तो कंपैरिजन के अंदर वेरिएबल्स को कंपेयर नहीं किया था। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे तो एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है जी। एक्स की जगह पे एक्स मौजूद है, बी की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है जी, और सी की वैल्यू में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 12। तो हम यहां ले लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है जी, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वेरिएबल एक्स है तो हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी, ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, और होल डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, 2a। अब देख रहे हैं आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को a, b और c की वैल्यू को पुट करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे। तो अब हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी भाई, माइनस बी की जगह आ जाएगा 8 प्लस माइनस
ये बी स्क्वायर है, दैट इज 8 स्क्वायर माइनस 4, और ए की वैल्यू क्या होगी 1, सी की वैल्यू है आपके पास 12, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट की टर्म, और होल डिवाइडेड बाय 2a यानी 1, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, दैट इज 64, माइनस 4 इंटू 12 ये हो जाएगा 48, ये हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2। आगे फर्दर सॉल्व किया, माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 48 विल बिकम 16, ये स्क्वायर रूट में रहेगा, होल डिवाइडेड बाय 2, और फिर मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 8 प्लस माइनस 16 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर एज अ 4। अब स्क्वायर रूट मर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर अलग अलग कर लेंगे, ताकि हम यहाँ पे दो एक्स की वैल्यूज जो हमारे आंसर थे वो निकाल लें, यानी एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 8 प्लस 4 अपॉन 2, और एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 8 माइनस 4 अपॉन 2, यानी एक्स विल बिकम माइनस 8 प्लस 4 ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2, और ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 वन जा, दैट इज 2 टू जा 4 माइनस 2, और इधर आपके पास माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 अपॉन 2, और इधर x की वैल्यू जो है 2 1 2 6 12, ठीक है जी, ये हो जाएगा 2 1 2 6 12, दैट इज माइनस 6, यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा इसका अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 6 एंड माइनस 2, ओके गॉट इट, ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, और उसके बाद फिर हम जो है वो उसको इक्वेशन में पुट कर जो है वो इक्वेशन में पुट करने के बाद इसको सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करने के बाद वैल्यूज को स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं, और फिर उनको लास्ट स्टेप्स के अंदर आके इंडिविजुअली एक्स की वैल्यूज के लिए सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड हम एक और सवाल यहाँ पे देखते हैं, ताकि अगर क्वाड्रेटिक के अंदर कोई सवाल चेंज होकर आ जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो, और वो सवाल हमारे पास कौन सा है, ठीक है जी, अब हम वो सवाल देख रहे हैं जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 26, सेकंड क्वेश्चन हम इसका देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 ये है आपके पास 3r² दैट इज इक्वल्स टू 14r माइनस 8। जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम डायरेक्टली इसको कंपेयर नहीं कर सकते जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कंपेयर किया था, क्योंकि वो अरेंज था। अब हम सेकंड क्वेश्चन में पहले इसको क्या करेंगे, रीराइट करके इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे, ये प्लस 14 आर इधर आके क्या होगा माइनस 14 आर, माइनस 8 इधर आके होगा प्लस 8, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वही सेम लाइन बाय कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, ठीक है जी, विद स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0, और अब हम यहां पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है जी, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है जी, तो अब इसके अंदर हम तमाम वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, अब यहाँ आपके पास जो है वो कंपैरिजन के अंदर यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं कंपैरेटिवली वैल्यूज ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर की रिप्लेसमेंट आर स्क्वायर से है, तो यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है जी, अच्छा एक्स जो है वो आर से यहाँ पे रिजेंबल कर रहा है,
तो b की वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस 14 है, ठीक है जी, और c जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 8 है। इस स्टेप को बेसिकली हम जो है वो फॉर्मूले की एप्लीकेशन से ऊपर लिखते हैं, पहले लिखते हैं, बट हमने वहां पे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले लिख दिया था, तो हमने इसलिए जो है वो ये ए बी सी की वैल्यू बाद में ली। नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला, ठीक है, हमारे पास जो है वो b की वैल्यू जो है वो माइनस में है, ठीक है जी, फॉर्मूले का माइनस, देन आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, b की वैल्यू माइनस 14, देन प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 14, ठीक है, माइनस 14 होल स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह माइनस 4, a की वैल्यू हो जाएगी 3, c की वैल्यू आपके पास है 8, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, 2a का मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। आर क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे हम, आर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो आर है, हर सवाल में आपने एक्स नहीं लिखना, जो वेरिएबल गिवन होगा आपने वही वेरिएबल लिखना होगा। तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 14, ठीक है जी, और फिर आपके पास प्लस माइनस 14 का स्क्वायर हो जाएगा ये 196, क्योंकि माइनस 14 था तो माइनस माइनस प्लस 196, माइनस ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 3, 4 थ्री 12, 12 इंटू 8, 12 8 हो जाएगा आपके पास 12 8 96, 12 इंटू 8 96, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 दैट इज 6, फिर r equals to that is 14 plus minus 196 minus 96 will become that is 100 square root mein divided by 6 aur r ki value aapke paas jo hai wo kya aa jayegi 14 plus minus 100 jo hai wo perfect square hai, wo kiska perfect square hai, that is the perfect square of 10, to ye ho jayega 10 whole divided by 6। abhi complete solve ho gaya hai, theek hai ji, square root ki value solve ho gayi hai, तो अब हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपके पास r equals to 14 plus 10 divided by 6 और ये हो जाएगा r equals to 14 minus 10, ठीक है जी, divided by 6। तो अब आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, एक r की वैल्यू आ रही है 14 plus 10 will become 24 divided by 6 और 6 और 24 कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और यहाँ आपके पास r की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 10, 14 माइनस 10 विल बिकम 4 अपॉन 6, ठीक है जी, तो दूसरी r की वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी आपके पास 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा 2/3। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट विल बिकम, हम यहाँ पे दो वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, 2/3 एंड 4, ठीक है। यहाँ आपके पास जो है वो हमने जो सॉल्व करके दिखाया है आपको, यहाँ हमने आपको सॉल्व करके दिखाया व्हाट इज हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जो है वो हम यहाँ पे हमने इसकी एप्लीकेशन देखी कि जब हमारे पास कोई भी सवाल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमें सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, उससे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट ऑन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो है वो एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 का रिव्यू था हमारा, और 1.1 और 1.2 के रिव्यू के अंदर आकर जो है वो हमने आपके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया आपको, ताकि जब आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठे, प्रैक्टिस करने के लिए बैठे, तो आप इजीली जो है वो इसको जो है वो प्रैक्टिस में ला सकें। इंशाल्लाह आपकी कोई भी क्यूरीज होंगी तो कोई भी क्यूरीज के लिए आप जो है वो उससे रब्ता कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उससे रब्ता करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी, मैं आपके ग्रुप्स में अवेलेबल हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर फर्दर और एक्सरसाइजेस का रिव्यू करेंगे, ताकि आप जो थोड़ा आपका जो गैप डेवलप हो गया है इस गैप को कवर करें और आपकी जो है वो प्रिपरेशन जो है वो अपने जो है वो एक स्ट्रीम लाइन के ऊपर जो है वो चलना शुरू हो जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।